अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो टॉपर्स प्ले चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लाइक और शेयर भी मत करना, नीचे कमेंट से सुपर्ब, ऑसम, थैंक यू ये सब भी मत लिखना। अगर कर सको तो अपने अंदर आज एक आग जरूर पैदा कर लेना, जो तब भी जलती रहेगी जब तुम्हारी जिंदगी भुजने के कगार पर खड़ी होगी। तुम्हारी चिता की आग से भी कई गुना प्रचंड होगी ये आग। चिता की आग तो एक शरीर को मिटा सकती है, लेकिन अगर दिल में आग लगा ली तो पूरी दुनिया में आगे आने वाली सदियों तक तुम्हारा नाम चमकाने की ताकत होगी तुम्हारे पास। तो फिर ये पढ़ाई लिखाई ये कोई तोप नहीं है जो तुम्हारी सीने को छलनी कर देगी। याद नहीं रहता तुम्हें लगता है ये सामने रखी 10 किताबें तुम्हारी दुश्मन है। अगर नसीब से तुम्हारे पिताजी फौजी हैं तो पूछना कि जब सामने 10 दुश्मन हो तो उनका मुकाबला कैसे किया जाता है। अंतिम सांस तक लड़ करके अपनी माँ का कर्जा खून से चुका करके क्या तुम अपने माँ बाप के लिए उनको हर टाइम पढ़ते रहने का झूठा दिलासा देना बंद कर सकते हो? प्लीज, तुम्हें लगता है कि दिमाग से पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग तब तक नहीं जागता जब तक दिल नहीं करता। कभी पढ़ते पढ़ते रोना आया तुम्हें? कभी पढ़ते हुए आंखों के नीचे रखा पेज गिरने वाले आंसू की वजह से खराब हुआ है? कभी इमोशनल होने के बाद सिर्फ ये ख्याल आया कि मुझे अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है और बस मुझे पढ़ाई करना है? अगर दुनिया में सबसे मुश्किल और रिस्की काम है तो वो है अपने बच्चों की अच्छी लाइफ के सपनों के लिए खुद के सपने छोड़ देना, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि उनके बच्चे उतनी मेहनत नहीं कर रहे होते जितना उनको लगता है। और अगर उनको लगता भी है ना तो वो इसलिए ज्यादा नहीं डांटते कि कहीं बच्चे हमारी स्ट्रेस में ना चले जाए डांटने के बाद। इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है बच्चे के सपनों को मजदूरी करके पूरी करना, खेती करके पूरी करना, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप खुशी खुशी वो सब काम करते हैं जो वो नहीं चाहते कि हम सपने में भी करें। क्योंकि जब मैं अपनी मासूम सी भोली सी शक्ल लेके उनके सामने जाऊंगा और बोलूंगा कि पापा थोड़े पैसे चाहिए, किताबें लानी है, तब उस वक्त वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मुझे उनकी बेबस आंखों की तरफ देखने का एक सेकंड भी मौका मिले, क्योंकि उनकी आंखों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी आंखों में हम वो सब देख पाए उनकी तरह। काश कि इतना विश्वास तुम्हें अपने इरादों पर भी होता जितना विश्वास वो तुम पर करते हैं। आज मैं अपने पापा को खेत में पीने का पानी पकड़ाने गया। वो सुबह से खेत में काम पर लगे हुए थे। रात को बारिश आई थी, लेकिन इस वक्त की धूप और गर्मी देख के लग रहा था कि मानो सूरज लावा उगल रहा हो। मेरी मम्मी ने कहा कि सर पे तौलिया रख के जा, धूप बहुत है। मैंने कहा नहीं माँ, बस अभी आया वापस। खेत में दूर से पापा दिख गए थे, वो भी मुझे देख लिए थे लेकिन रुके नहीं। दूर से मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिखा, लेकिन पास जाने में पाया कि वो पसीने में पूरी तरह से भीगे हुए थे और उनके सिर पर रखा सफेद तौलिया भी पसीने और मिट्टी से मटमेला हो गया था। मैंने पानी का जग दिया और उन्होंने वो खड़े खड़े पी लिया। जब मैं वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ा तो मुझे अपने कंधे पर कुछ रखे जाने का एहसास हुआ और वो बोले, लगता तुम्हारी माँ ने आते देखा नहीं तुम्हें, मेरा ये तौलिया सर पे डाल लो बेटा, धूप बहुत है आज। थैंक गॉड मैं उनकी बात सुनने से पहले मुड़ चुका था, नहीं तो मेरी आंखें इस एहसान को उठा नहीं पाती। पापा ने मुझको तौलिया नहीं एक बहुत बड़ी सीख दी थी कि जिस काम को वो कर रहे हैं वो कभी नहीं चाहते कि वो काम मैं भी करूं, और मैंने अपने आप को चेतावनी दी कि मैं कर क्या रहा हूं 10 किताबों को सामने रख के मेहनत करने का ढोंग रचा करके। तुम्हारे दिमाग में जो लड़के लड़की वाला घुटरगू चलता रहता ना हर टाइम, ये सब उम्र का खेल है। हर कोई पैदा होता है, बड़ा होता है और फिर बूढ़ा होकर मर जाता है, लेकिन फिर भी पूरी उम्र उसको यही लगता है कि मैं तो हमेशा ही जिंदा रहूंगा और बस इस धरती के लग्जरी और सुखों में लग जाता है। और एक्सक्यूज सुनो फिर, एंटरटेन भी तो जरूरी है, मूवी भी ना देखूं क्या? अबे गधे, अपने सामने के रियल लाइफ कैरेक्टर्स को तो तू देख नहीं पा रहा जो तेरी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक सेकंड भी नहीं रुकते। तेरे माँ बाप की बात कर रहा हूँ और तुझे मूवी देख के मोटिवेशन मिलता है? असली मोटिवेशन ना बेटा खुद की तकलीफ और दर्द से आता है, खुद के आंसुओं से आता है, जब दिल में एक जलन होती है, बहुत बड़ा पागलपन होता है, एक जिद होती है कि साला मरते दम तक भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। कंपटीशन बहुत है आज के टाइम। अरे मैं कहता हूँ तुम्हारे पास इजी लाइफ जीने के साधन बहुत है, इसलिए तुम्हें बाकी चीजें डिफिकल्ट लगने लगती है। एग्जाम में तो हर टाइम ऊपर वाले को याद करते हो। मत करो इतनी पूजा, भगवान को भी इतनी फुर्सत नहीं है सुनने की। अगर कर सकते हो तो प्लीज खुद को झूठे मेहनत के शीशे में मत देखो। अगर कर सकते हो तो मेहनत करके, पढ़ाई करके, ज्ञान हासिल करके, पैसे कमा करके अपने माँ बाप को भी थोड़ी जिंदगी जी लेने दो यार। 20 बरस हो गए उनको तुम्हारी सेवा करते हुए। कमॉन, तुम कर सकते हो, कमॉन यू कैन डू इट। Be a topper. तुम्हें टॉपर बनना है, तुम्हें जीतना है। You are born with a purpose. जय हिंद।